हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियांश और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग गार्डनिंग पर। आज का हमारा टॉपिक होगा बैम्बू प्लांट के बारे में, कि बैम्बू प्लांट को कैसे ग्रो करें वेरी इजीली अपने घर में ही। उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी और आप भी गार्डनिंग अच्छी तरह से करेंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बैम्बू प्लांट, बैम्बू प्लांट जो होता है वो इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो आसपास के देश हैं, ये यहाँ ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि जो ये प्लांट है इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो क्लाइमेट है वो पसंद है। यानी मतलब जहाँ जिस एरिया में बरसात ज़्यादा होती हो, जहाँ पे मानसून का एरिया ज़्यादा हो, जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो, वहाँ ये प्लांट उगते हैं। तो ये प्लांट जो बेसिकली जो चाइना, जापान और मलेशिया से इम्पोर्ट होकर यहाँ आते हैं, इसलिए इनकी जो प्राइस है वो भी बहुत हाई हो जाती है। जो बाकी प्लांट हैं जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ग्रो होते हैं, उनकी प्राइस जो लोकल में ग्रो हो जाते हैं इसलिए उनकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो ये बाहर से इम्पोर्ट होते हैं इसलिए इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं ये 12 स्टिक्स लेकर के आया हूँ, 4 स्टिक्स इस वाले बंडल में है, 4 इसमें और 4 इसमें। ये एक स्टिक मुझे 60 रुपीज़ की मिली है, तो 700 कुछ रुपए की मुझे सारी स्टिक मिल गई। और जो इसका जार है वो भी मैं लेकर के आया था, वो मुझे 100 रुपीज़ का जार अलग से मिला था, लेकिन वो जो जार लाया था मैं वो छोटा था, तो मुझे इसे थोड़े बड़े जार में शिफ्ट करना पड़ा। जो मेरे घर में जो जग होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, वो एक कांच का रखा था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कांच का रखा था, तो ये मुझे देखने को बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसमें ही इसको लगाने का फ़ैसला किया और इसमें इसको लगा दिया। इसमें भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वाटर बॉल्स होती हैं, जो ये मतलब हम जब इनको पानी में डालते हैं तो ये मतलब थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो आप वो भी अपने जार में डाल सकते हैं। इससे जो आपका बैम्बू प्लांट है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और आप इनकी जगह जो पेपल्स आते हैं, कलर्ड पेपल्स, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ के बारे में। रूट्स इसके पानी में बहुत ही अच्छी डेवलप होती हैं। पानी इसको टैप वाटर पसंद है, अगर आप इसमें ठंडा वाटर डालेंगे ज़्यादा या ज़्यादा गर्म वाटर डालेंगे तो ये अपने ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको टैप वाटर, जो आपके टैंक में पानी होता है, अगर आप इसको मतलब इसके जार में वो डालेंगे तो ये अपनी प्लांट जो है वो ग्रोथ बहुत अच्छी करता रहेगा। ये देखिए, जैसे कि आप इसकी रूट देख सकते हैं, ये सारी रूट्स इसकी कितनी अच्छी ग्रो हो रही हैं। और ऐसे ही इसका लेके मैं आपको वॉच कराता हूँ, और इसकी भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रूट्स ग्रो हो रही हैं। और इसमें कुछ वाइट रूट्स, ये जो ऑरेंज रूट्स हैं ये पानी की वजह से हुई हैं, क्योंकि जो रूट्स हैं ये बहुत टाइम से पानी में ही पड़ी रहती हैं, तो इसलिए ऑरेंज मतलब ऑरेंज हो गई हैं। लेकिन आप नीचे देख सकते हैं इसमें वाइट रूट्स भी आ रही हैं, जिसका मतलब है कि ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। वाइट रूट्स का मतलब होता है कि आपके प्लांट की ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इस पर ये एक ततैया भी आ गया है, तो इसको ज़रा मैं हटाता हूँ क्योंकि इससे मेरा जो ध्यान है थोड़ा हट रहा है, तो देना थोड़ा शेयर करता हूँ। चलिए, अब मैंने उसे हटा दिया है, अब कंटिन्यू करते हैं। तो रूट्स इसकी बहुत अच्छी ग्रो हो रही थी, और इसमें आप इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, मतलब इसकी कटिंग, मतलब इसकी आप इससे ही इसके और मल्टीपल भी प्लांट को कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये प्लांट है इसका ये जो नोड एरिया है, जहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है, ये इसका नोड एरिया है। और अगर आप अपने प्लांट को प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो आप इसको नोड एरिया से मत काटिए। कोई भी आप अपनी प्लांट की स्टिक लीजिए, उसे नोड एरिया से थोड़ी सी ऊपर से काट दीजिए, तो और आपके फिर दो प्लांट बन जाएंगे। जो ऊपर वाला प्लांट है जिसमें पत्तियां हैं, वहाँ जो ऊपर वाला नोड एरिया है वहाँ से इसमें रूट्स फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, और ये भी एक नया प्लांट मतलब एक नया प्लांट बन जाएगा। और जो नीचे वाला एरिया है जिसमें रूट्स हैं लेकिन शूट्स नहीं, मतलब पत्तियाँ नहीं हैं, वहाँ से थोड़े टाइम बाद इसकी रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और वो भी आपका एक नया प्लांट बन जाएगा। और जब आप इसको कटिंग करें यहाँ से, तो आप मतलब जो ऊपर इसके थोड़ा सा जिस प्लांट में लीव्स नहीं है वहाँ पर थोड़ा सा मोम लगा दें, ताकि जो उसका मॉइस्चर है वह उड़े नहीं। इस स्टिक के अंदर मॉइस्चर होता है, अगर वो उड़ गया तो ये जो जिसमें लीव्स नहीं है वाला प्लांट डाई भी हो सकता है, मतलब वाला पार्ट डाई भी हो सकता है। लेकिन जिसमें लीव्स हैं और रूट्स नहीं है, उसमें कोई भी मतलब मोम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी रूट्स वैसे ही वहीं से स्टार्ट कर लेगा और वहीं से वो अपनी ग्रोथ नहीं करेगा। और इनको टाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इन्हें पॉट में लगाएंगे तो ये इधर उधर फैलेंगी, मतलब एक जगह ये स्टेबल नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप इनको टाई कर सकते हैं। और टाई करने से भी इनका मतलब बहुत फ़ायदा होता है, इनकी ग्रोथ भी अच्छी चलती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी ग्रोथ कैसे चल रही है। ये देखिए, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये जो वाइट पार्ट आपको दिख रहा है
ये इसमें नई जो ये नई शूट है, मतलब ये नई ब्रांच, इसमें ब्रांच तो नहीं निकलती लेकिन हम इसे शूट बोल सकते हैं, इसमें नई शूट निकलनी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ गया है, मतलब चल रहा है, और एक आध मतलब एक डेढ़ महीने में बरसात का मौसम आने वाला है, तो अब ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होने लगा है, तो इसलिए और ये प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद है तो इसलिए ये अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से कर रहा है। और कहीं कहीं से जो आपके प्लांट्स जो आप देख सकते हैं इसकी जो लीव्स हैं ब्राउन हो रही हैं, लेकिन कोई मतलब इससे कोई ज़्यादा हमें ये प्लांट नुकसान नहीं हो, क्योंकि ये प्लांट मेरे पास एक डेढ़ साल से है और इसमें ये अभी थोड़ी सी ही ऐसी ये डैमेज होना शुरू हुआ है, तो ये जब इसकी ओल्ड लीव्स ख़राब होने शुरू हो जाती हैं ये उसकी निशानी है, तो आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर आपका पूरा प्लांट की जो लीव्स हैं वो ब्राउन होने शुरू हो जाएँ या येलो होने शुरू हो जाएँ, या जो आपकी स्टिक पल्पी है मतलब जो आपकी स्टिक है वो पल्पी होने शुरू हो जाए, तो आपको मतलब थोड़ी इसकी केयर करनी पड़ेगी, वरना बहुत ही लेस मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं, क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी लेवल मतलब जो ह्यूमिडिटी क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा लगता है, और हमारे बेडरूम का और ड्राइंग रूम का क्लाइमेट वैसा ही होता है, तो आप इसको वहाँ रख सकते हैं। आप इसको फुली सनलाइट में मत रखिए, और इस प्लांट को सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, हाँ कह सकते हैं कि पसंद नहीं है, क्योंकि जो ये प्लांट है इसके अंदर बहुत हद तक मतलब कई हद तक मॉइस्चर मौजूद होता है, तो अगर हम इसे मतलब फुली सनलाइट में रखेंगे, जैसे कि अगर मैं इसको अपने जार में रख के और यहाँ पे अपने जो मैं ये वीडियो टेरेस बना रहा हूँ, ये मैं प्लांट टेरेस पे लेकर के आ गया हूँ और अब इसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मैं इसको अपने टेरेस पे ऐसे ही रख दूँ तो इसकी जो ये प्लांट 10 या 15 दिन में ही मरना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, वो थोड़ा बड़ा हॉल टाइप है हमारा ड्राइंग रूम है, तो वहाँ पे भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। आप इसको अपने फ्रिज के ऊपर, अपने किचन में या अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि बाथरूम में मत रखिए ये प्लांट, आप अपने किचन में रख सकते हैं या आप अपने ड्राइंग रूम में बेडरूम में कहीं भी रख सकते हैं। और इसके वाटर में फर्टिलाइज़र अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं, लेकिन वैसे इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो बहुत ही कम, ये मानिए अगर आपने इसके जार में 500 ml पानी लिया है तो 1 ml का भी चार पार्ट करके मतलब 1/4 ml आप इसमें DAP फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं, तो इसकी जो ग्रोथ है वो और अच्छी हो जाएगी, लेकिन फर्टिलाइज़र की इसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं, लेकिन उससे आपका प्लांट डेड हो सकता है, लेकिन वैसे होगा नहीं अगर आप बहुत कम मिलाएंगे, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र अगर हमने ज़्यादा डाल दिए तो प्लांट हमारे मर भी सकते हैं, तो इसलिए आप केमिकल मतलब आप इसलिए इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ तो ना ही करें। अब बात कर लेते हैं पेस्ट के बारे में। पेस्ट इस पर आज तक जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे घर में मैंने इससे भी पहले मतलब इसको मैंने मल्टीपल करके अपने जो रिलेटिव्स हैं फ्रेंड हैं उनको भी दिए, तो और जो मेरे घर में भी रखा है, तो आज तक किसी प्लांट पर भी पेस्ट ने अटैक नहीं किया है, क्योंकि ये प्लांट हमारे रूम में होता है और ये पानी में ग्रो करता है। पेस्ट जनरली उन प्लांट पर अटैक करते हैं जो हमारे टेरेस पे होते हैं और जो रूट जो सॉइल में लगे होते हैं, क्योंकि जो कीड़े होते हैं जो पेस्ट होते हैं वो सॉइल से ही आते हैं, और जब हम अपने प्लांट को ऊपर टेरेस पर रखते हैं खुले एटमॉस्फेयर में या गार्डन में रखते हैं तो वहीं से भी तो वहाँ से भी उन पर पेस्ट अटैक करते हैं, लेकिन वाटर में कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करता, और इस पर मतलब पेस्ट बैठ सकता है आके, लेकिन मतलब वो इस पर ज़्यादा इसके पत्ते नहीं खाएगा और इस पर जल्दी से अटैक नहीं करेगा। और वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज तक मेरे घर पर तो कभी किसी पेस्ट ने इस पर अटैक नहीं किया बैम्बू प्लांट पर। अगर आपके घर पर करता है तो आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र मतलब वो केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे ना करें, बहुत ही अगर आप इस पर केमिकल फर्टिलाइज़र आपने बहुत कम मतलब मात्रा में भी स्प्रे करा तो भी ये प्लांट डैमेज हो सकता है। अगर आ गए हैं आपके प्लांट पे पेस्ट या कीड़े आ गए हैं कोई पत्ते खाने वाले या कैटरपिलर आ गए हैं, तो आप इस पर ऑर्गेनिक वो पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि नीम ऑयल, और भी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वीडियो आप देखकर वो घर में ही बना सकते हैं और उस पर स्प्रे कर सकते हैं, तो उसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए अब इस जो मेरा प्लांट है इसको इस जो जार है इसमें शिफ्ट कर लेते हैं, और शिफ्ट करने से पहले इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था वीडियो बनाने से पहले, तो अब आप देख सकते हैं इसकी जो लीव्स हैं वो कितनी ग्रीन हो वो लगने लगी हैं। और ऐसे ही आप अपने जो प्लांट है उसको हफ्ते में या 10 दिन में 15 दिन में जब भी आपके प्लांट पे धूल आनी शुरू हो आप उसको वॉश कर सकते हैं, ऐसे इसकी प्लांट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। आप इस पर रोज़ जो शावर भी कर सकते हैं ताकि इसकी जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो मेंटेन रहे और इसका जो इसकी ग्रोथ है वो भी अच्छी चलती रहे। तो चलिए आप लगाते हैं इसे अपने जार में।
और आप चाहें तो इसमें ये भी डाल सकते हैं या पेबल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी जो ये वाटर बॉल्स हैं ये अच्छी तरह मतलब इन्हें पानी एब्जॉर्ब नहीं किया है, अच्छी तरह बड़ी नहीं हुई हैं, तो जब भी बड़ी हो जाएंगी मैं इसमें डाल दूंगा 2 से 3 घंटे के बाद। चलिए मैं इसका थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने इसकी सेटिंग कर ली है, ये देखिए अब इसको आप किसी भी तरह सेटिंग सेट कर सकते हैं, चाहे आप इसको इस तरह के, चाहे आप इन सबको टाई करके एक साथ ऐसे भी रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, वो भी बहुत अच्छा लुक देगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ऊपर टेरेस पे कोई रस्सी या कोई धागा मौजूद नहीं है, तो ऐसे भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। और आप इसकी वाटर में रूट देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार जल्द ही फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।